लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, नहीं है। जिसका कोई अपना नहीं होता ना, उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं। इस घर में चालाकी या होशियारी किसी को भी रास्ते नहीं आती, इसलिए वापस चले जाओ जहाँ से भी सालार तुम्हें उठा करना है। जो कुछ चाहिए था इसने बता दिया, तो तुमसे कहा था कि इसे शादी में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ चंद पैसों का है। जी आपने तो कहा था मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे। ईमान जब रुखसत होकर सालार के घर जाएगी तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होगी, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था कि सालार का इतना बड़ा घर भी हो सकता है। वो तो सालार को एक गरीब सा इंसान समझती थी। अब जब इतने बड़े घर में आने के बाद उसने उसके मामू के रवैये को भी देखा और मामू ने उसे तलाक के पेपर भी दिए हैं कि तुम इसे साइन करो और इस लड़की को इस घर से निकाल दो। यहाँ पर हमने देखा कि सालार ने अपने मामू को इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन ईमान ने उनकी बात रखने के लिए वो पेपर्स ले लिए और उनसे दो दिन का टाइम लिया है। और इन दो दिनों में ईमान क्या करेगी, ये हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ईमान सालार से यही पूछेगी कि आखिर तुम हो कौन। तो सालार उसको अपने बारे में सब कुछ बताएगा और वो उससे यही कहेगी कि लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, तो तुम तो इतने अमीर थे, तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सालार उसे शायद अपने बारे में सब कुछ सच बता दे कि यहाँ इस घर में उसके साथ क्या सलूक होता है और किस तरह से उसे रखा जाता है। अभी मामू की मौजूदगी में उसे ये सारी सहूलियात मैसर हैं, लेकिन उनके जाने के बाद इसके साथ क्या कुछ होगा, और अगर ये बातें वो शेयर ना भी करे तो ईमान पर ये बातें बाद में खुल ही जाएंगी। दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सालार के मामू ने ईमान को दो दिन का टाइम दिया है और इन दो दिनों में ईमान ने जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया है, तभी उन्हें सालार के मामू के सामने कोई डिमांड्स रख दी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सालार के मामू सालार को यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़की पैसे की खातिर ही तुम्हारे साथ आई है, और अब देख लो इसने अपना फैसला सुना दिया है। सालार ईमान के इस फैसले को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होगा और वो ईमान से यही कहे, ईमान जी आपने तो कहा था कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगी। और सालार बहुत ज्यादा परेशान होगा कि वो ये नहीं चाहता था कि ईमान उसकी जिंदगी से चली जाए, जबकि उसे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि ईमान ने शायद पैसों की डिमांड मामू से कर ली है और अब वो इसकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ईमान की यकीनन कुछ ना कुछ प्लानिंग है, क्योंकि ईमान ने अपनी सास का रवैया भी अपने साथ देख लिया है और उसे शायद इन बातों का अंदाजा हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत जरूर है और अब वो इन चीजों को सही करने की जरूर कोशिश करेगी और सालार की जिंदगी से हरगिज नहीं जाएगी, क्योंकि ईमान ऐसा कोई भी फैसला नहीं करने वाली जिसकी वजह से ईमान के बाबा का सर झुक जाए और उसके बाबा पर ये बात आए कि इन लोगों ने पैसे की खातिर ही सालार से शादी की है।